ऑपरेशन के चलते आज सुबह करीब 7:30-8 बजे जो है नक्सल पार्टी और पुलिस धारणा सामना हुआ, जिसमें कि नक्सल पुलिस ने की तरफ से फायरिंग हुई है। और कुछ समय बाद जब फायरिंग होती है तो वहाँ पर उस क्षेत्र का जब सर्चिंग की गई तो वहाँ पे नक्सलियों का कुछ सामान और एक उनका वेपन प्राप्त हुआ है। वो वेपन 12 वर्ष भी जब वो वापस आएगा तो उसकी और जनता से जांच होगी कहाँ से आया है। और वो क्योंकि वेपन वहाँ मिला हुआ है, छोड़ के गए हैं, तो ऐसा मैं प्रतीत हो रहा है कि शायद नक्सल पार्टी में से कोई एक घायल है और जो अपना वेपन छोड़ के वहाँ से भागे हैं। ये पूरा घटनाक्रम करीब आधे घंटे तक चला है। नक्सल पार्टी की तरफ से करीब 10-15 राउंड फायरिंग हुई है और पुलिस की तरफ से भी दो तीन जो हमारे फ्रंट में जवान थे उन लोगों ने भी लगभग 15-20 राउंड फायरिंग की। सर कौन से दलम के थे, कितनी संख्या थी? वहाँ महसूस हो रहा है कि टाटा दलम और उससे ही सब जो मिश्रित है वहाँ पर टाटा दलम और दर्रे के साथ उन दोनों का मिक्सर हो गया। सर इसके बाद पुलिस का क्या रहा है? अभी तो लगातार हमारा पहला फोकस है कि जैसे ही जो भागे हैं तो उनको कहां कहां से घेराबंदी करके उनको इंटरव्यू किया जा सके।